हेलो दोस्तों, सपनों की डेयरी में आपका स्वागत है। ये आज मैं गाय जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो पांच गाय है, तो वो सेल के लिए रखी है। तो सब गाय की मैं हिस्ट्री बताता हूँ। एक गाय को आप मैंने 6-7 दिन पहले ईआई किया था। इसका मिल्क रिकॉर्ड है नॉर्मली 7-8 लीटर ज़्यादा मिल्क है। जब काविंग होता है ना तब मैं इसका 15-16 लीटर मिल्क करता हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम में मेरे को ए आई करने का था, इसलिए मैं लॉन्ग टाइम में खींच के लाया इधर और बाद में ए आई करने किया हूँ। मैं 7-8 दिन हो गए ए आई करने का। और ये गाय आपको मैं दिखाऊँ तो ये गाय का अभी मिल्क है 5 लीटर मिल्क है और 2 महीना 15 दिन प्रेग्नेंट है। तो इसका कारण ये था, 13-14 लीटर मिल्क था इसका जब काविंग हुआ था। उस टाइम इसका बच्चा है ना तो थोड़ा कुत्ते लोग ने काट के मार दिया था, इसलिए ये गाय थोड़ा स्ट्रेस में आ गई। आज भी वो गाय स्ट्रेस में ही है, क्योंकि बच्चा नहीं है ना, बच्चे के लिए वो पूरा दिन वो ऐसे घूमती है ना, इसलिए इसका मिल्क प्रोडक्शन 5 लीटर ही है। तो ये भी गाय सेल करके प्रेग्नेंट गाय सेल करने का। ये गाय 3 महीने की प्रेग्नेंट है और 9 लीटर दूध है इसका। और जब काविंग होता है तो 13-14 लीटर दूध निकलता है इसका। अभी हाल हाजिर में 9 लीटर दूध है इसका। ये गाय 3 मंथ प्रेग्नेंट है। अभी ये डेनमार्क की बछड़ी थी, इसका 6 लीटर मिल्क है और जब काविंग हुआ था तो 12 लीटर दूध था इसका। ये सेकंड लैक्टेशन में काविंग होगा, फर्स्ट लैक्टेशन में अभी काविंग हो गया है, सेकंड लैक्टेशन में काविंग होगा इसका। ये गाय मैंने ए आई 6-7 दिन पहले किया है। ये गाय का मिल्क तो ज़्यादा है इसका, पर अभी ये गाय का हम फीडिंग कम करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसका बाट जो शेर बोलते हैं जो धार लगती है वो थोड़ा करक है ना, इसलिए हम दूध निकालने में लेबर के वजह से कारण वो हम कम इसका फीडिंग करते हैं। तो अभी यहाँ 6 लीटर ही मिल्क है इसका। तो ये सब गाय सेल के लिए रखी है, तो जिसको लेना है वो मेरे को कॉल बैक दे देना। सब फुल ये पहली वाली गाय का बताऊँ ना आप तो को तो 18 लीटर मिल्क निकाला था, पर ये थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि अभी जो मैं ए आई करूँगा ना तो तब काविंग 10 में 11 महीने में होगा।